नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। और डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में आज हम कर अपना अगला पार्ट एक्सरसाइज 4.2 का। एक्सरसाइज 4.2 में हमने फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने जो प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी वो समझ ली। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो बहुत ही सिंपल था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 7 क्वेश्चन है, तो इसमें अभी जितने होते देखते हैं, कोशिश करेंगे कि इसको एक पार्ट में, मतलब ये पार्ट और अगले पार्ट में कंप्लीट हो जाए। ओके दोस्तों, चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता, आज के टॉपिक को शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देख रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 देख रखा है प्रूव दैट इज x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। देखो जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। यहां पर देखे रखा हमको प्रूव करना है ये इक्वल होगा दैट इज ट्वाइस एक्स वाई जेड। ओके, देन देखे रखा है जेड एक्स वाई और वाई जेड एक्स के इक्वल। अगर देखो यहां पर ये क्वेश्चन हमको एडिशन के फॉर्म में दिया है। प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी थी? प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि दो, अगर मतलब एक मैट्रिक्स ऐसा लिखा है, एक डिटरमिनेंट अगर ऐसा लिखा है तो उसको हम दो पार्ट्स में लिख देंगे। अब अगर आप दो पार्ट में लिखते हैं तो क्या होगा? देखो जरा, ये पहला वाला एलिमेंट सबका देखें एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड, ये जेड एक्स वाई, तो ये जेड एक्स वाई और वाई जेड एक्स, तो वाई जेड एक्स। अगर हम उसको दो टुकड़े करके लिख देंगे तो बात नहीं जमने वाली। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक और एक्स्ट्रा मैट्रिक्स होगा। अब उसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। हालांकि उसको हम कर सकते हैं, करना बेटर, तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। तो सिंपल तरीका क्या है कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, अगर ये तीनों देखे हैं और इन तीनों को देखे, इन तीनों को देखे, अगर तीनों को मैं प्लस कर दूं यहां पर, तो यहां मुझे दो एक्स, दो बार वाई और दो बार जेड मिलेगा। इन तीनों को मैं यहां प्लस कर दूं, अगेन टू बार टाइम टू टाइम्स एक्स टू टाइम्स वाई टू टाइम्स जेड। अगर इन तीनों को ऊपर प्लस कर दूंगा टू टाइम्स एक्स टू टाइम्स वाई एंड टू टाइम्स जेड, तो ये एक ही जगह पर एक्स वाई जेड के फॉर्म में आएगा और दो दो बनेंगे वो। अगर वो दो दो बनेंगे तो टू कॉमन आएगा, तो एक काम हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन ये वाला पार्ट लिखते हैं, ये लिखिए टेक एल एच एस, यहां लिखिए एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। यहां क्या करो, यहां पर R1 में, मतलब रो वन, ये वाली जो रो वन है, ये वाली जो रो वन है, रो वन में आप R1 में R2 और R3 का प्लस कर दो। अब देखो मैं अगर यहां पर पूरा प्लस करूं तो बहुत बड़ा ही बनेगा, तो एक काम करते हैं, ऐसा मैं थोड़ा छोटा इसको करता हूं, ये इक्वल लिखिए, यहां पर इक्वल लिखिए। अब क्या होगा, देखो दो बार x इन तीनों को ऊपर प्लस किया, तो यहां लिखो टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स टू एक्स वाई वाई टू वाई जेड जेड टू जेड। यहां पर ऊपर प्लस करेंगे तो अगेन टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड और यहां भी हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं ना उनको ऐसा कैसे लिख लो, दैट इज जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और यहां लिख लो दैट इज वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ठीक है, थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूं क्योंकि अगर बड़ा लिखा तो फिर ये बोर्ड भर जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से 2 को कॉमन निकाल लो, यहां से 2 को कॉमन निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस विल बी दैट इज 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां भी हो जाएगा 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहां भी हो जाएगा 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब क्या होगा, ये बड़ा हो गया, बहुत बड़ा लिख लिया हमने इसको, ये एक लाइन खींच लेता हूं और बचा हुआ जो है ना उसको ऐसा कैसे लिख लो, दैट इज जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड और ये वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब देखो भाई यहां पर तीनों जगह पर 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लो, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इधर की मिलाइन खींच लेता हूं, ये आ जाएगा जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड। ठीक है, और ये होगा वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब देखो यार, अब एक काम तो हमारा हो गया कि हमारे पास 2 आ गया, अब हमको एक्स चाहिए, यहां पर एक्स लाना है। अगर मुझे यहां एक्स लाना है तो यहां एक्स्ट्रा क्या वाई जेड है, यहां वाई जेड कहीं है कि ये वाई जेड है। अगर मैं इस पूरे में से, मतलब मैं आर वन ये है
आर वन की जगह पर मैं अगर आर वन में से आर थ्री को माइनस कर दूं, तो देखो ये वाई जेड यहां कैंसिल हो जाएगा, ये जेड एक्स यहां पर कैंसिल हुआ, जेड और एक्स, तो यहां वाई बचेगा। देखो दूसरे में वाई लाना है हमको, और यहां एक्स वाई, तो एक्स वाई कैंसिल होगा, जेड बचेगा, इस जेड, तो हमारा काम हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर वन में से आर थ्री को माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं, आर वन में से आर थ्री को माइनस, टू का टू, आर वन में से आर थ्री माइनस होगा तो यहां एक्स बचेगा, यहां y बचेगा। अब x कैसे बचेगा समझ लो, x कैसे बचेगा, मैं यहां फिर पूरा लिख लू, ठीक है, एक्चुअली यहां बोर्ड में फिर हमारी जगह कम पड़ेगी, एक्स वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स, और ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और जो बचा हुआ है उसको ऐसा कैसे लिख दो, z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और ये y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां देखिए ये वाई जेड तो कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा दैट इज टू, यहां बचेगा x, यहां नीचे बचेगा z प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, ठीक है। यहां बचेगा देखो ये z कट जाएगा, ये x भी कट जाएगा, तो बचेगा y, नीचे बचेगा x प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, ठीक है। अब यहां बचेगा इधर, ये देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा z, ये होगा y प्लस जेड, और x प्लस वाई, सॉरी बचेगा x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। दूसरी लाइन में मुझे क्या चाहिए, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई चाहिए। तो जेड एक्स वाई कैसे आएगा, देखो ये ऊपर का x अगर मैं यहां से माइनस कर देता हूं, देखो ऊपर का x यहां माइनस हो जाएगा तो z बचेगा, यहां y माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, यहां z माइनस हो जाएगा तो y बचेगा। मतलब हमको क्या करना है, हमको r2 में से r1, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर लेना है। तो कैसे माइनस करेंगे, कैसे करेंगे माइनस, तो यहां लिखो 2 का 2, इसको लिख लो एक्स वाई जेड, और जब माइनस हो जाएगा डायरेक्ट मैं माइनस कर रहा हूं, तो बचेगा जेड एक्स और वाई, और नीचे बचेगा वाई प्लस जेड, ठीक है, z प्लस एक्स और x प्लस वाई। अब देखो तीसरे में क्या बच रहा है, वाई जेड एक्स, मुझे क्या चाहिए, y z x चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है, z x y है। जरा देखो तो ऊपर ये z है, नीचे ये ऊपर ये x है, ऊपर ये y है। तो एक काम करते हैं, यहां पर अगेन r3 में से r2 को माइनस कर लेते हैं, तो ये बचेगा दैट इज टू एक्स वाई जेड, जेड जेड एक्स वाई और वाई जेड एक्स, ठीक है। इस तरह से हो गया, बहुत सिंपल है, पर एक बात है बेटी, इनको अरेंज करके लिखना, इनको जमा के लिखना, और जो प्रॉपर्टीज है रूल्स लगाते चलना, तो इस तरह से आएगा, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अगर आप इसे लिखना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। क्या देख रखा है क्वेश्चन नंबर थ्री में, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स शो दैट, आपको डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज करना है और आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 4abc के। अब एक बात ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे डिटरमिनेंट्स के, जहां प्रूव करना होगा, मैक्सिमम जगह पर आपको प्रॉपर्टीज ही लगाना है। प्रॉपर्टी लगा क्या होगा, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। अब यहां पर देखिए, इसको अगर हम सॉल्व कर ले, एक्सपांड कर ले तो आंसर आ जाएगा ही, ठीक है, लेकिन हमको यहां प्रॉपर्टी लगानी, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर लास्ट में हम इसकी प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले यहां लिखिए, टेक एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, क्या देख रखे लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी, ए बी, ए ए प्लस सी, सी बी, सी बी प्लस सी। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था कि तीनों को प्लस कर दिया था ऊपर, तो हमारे पास में टू एक्स्ट्रा आ गया था, कॉमन आ गया था। यहां पर फोर आ रहा है, मतलब ये भी टू के फॉर्म में, अगर इसमें 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 इन तीनों को मैं ऊपर प्लस कर दूं, तो दो बार ए है, दो बार बी है, तो टू ए प्लस टू बी हो जाएगा, टू टाइम्स ए है, टू टाइम्स सी है, तो टू ए प्लस टू सी हो जाएगा, और टू टाइम्स बी है, टू टाइम्स सी है, तो टू सी टू बी प्लस टू सी हो जाएगा। इसका तो टू कॉमन निकल रहा है, ठीक है। रही बात यहां की, तो अगली स्टेप हम बाद में करेंगे, पहले क्या करो कि रो वन में, कौन सी रो वन, ये वाली जो लाइन है ये रो वन है, ऐसी तिरछी जो लाइन होती है वो रो होती है, और जो खड़ा होता है दैट इज कॉलम। तो यहां पर ये जो तिरछी लाइन है, इस R1 में हमको क्या करना है, R1 की जगह पर R1 के साथ R2 और R3 को प्लस कर देना है,
तो कैसे प्लस करेंगे, तीन प्लस कर दो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां 2a प्लस 2b, ये भी हो जाएगा 2a प्लस 2c और ये हो जाएगा 2b प्लस 2c, यहां हो जाएगा a का a, a प्लस c, c और ये b और ये c और ये b प्लस c। तो अब क्या हो गया यहां पर देखो, यहां ऊपर एक काम करो 2 कॉमन निकाल लो, यहां होगा b प्लस c, ठीक है, फिर क्या बचेगा, सॉरी b प्लस c नहीं बचेगा, a प्लस b बचेगा, सॉरी देखो ए बी है तो ए प्लस बी, टू कॉमन निकल गए, यहां टू कॉमन निकला तो ए प्लस सी, यहां टू कॉमन निकाला तो बी प्लस सी, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर बचा हुआ जो पार्ट है ए बी, ए प्लस सी, सी सी और ये बी प्लस सी, अब क्या करेंगे हम, यहां टू है, यहां टू है, यहां टू कॉमन निकालो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये टू बाहर आ गया, यहां बचेगा ए प्लस बी, ठीक है, ए बी, ठीक, यहां बचेगा ए प्लस सी, अगेन ए प्लस सी और यहां पर फिर से सी, सॉरी यहां बचेगा बी प्लस सी, सी बी प्लस सी। अब देखो यार अभी इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं कैसे, देखो यहां पर a प्लस बी है, a प्लस सी, a प्लस सी, इस पे से इसको माइनस कर दे तो यह जीरो हो जाएगा, यहां b बचेगा या a बचेगा, यहां b बचेगा, तो एक काम करते हैं हम r1 में से, r1 में से रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा 2 का 2, अब इसको इसमें से माइनस किया तो a कम हो जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ b, इसमें से इसको माइनस किया तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, जीरो बचेगा, इसमें से इसको माइनस किया तो c कम हो जाएगा, यहां b बचेगा, ये a का a, a प्लस सी, सी बी सी, बी प्लस सी। अब यहां पर देखिए और क्या कम हो सकता है, इसमें काम करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब फर्स्ट रो में से, अगेन फर्स्ट रो में से थर्ड रो को माइनस कर दो, तो ऊपर क्या आएगा, ये जीरो जीरो, ये जीरो हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस सी, यहां बचेगा सी, ठीक है। यहां एक काम करो, अभी आप इसको डायरेक्ट यहां पर एक्सपांड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या एक और तरीका है, देयर इज वन मोर वे, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहां पर, हर जगह पर मैं यहां से यहां माइनस कर रहा था, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि b, ये देखो दोनों b है, तो कॉलम 1 में से कॉलम 3 माइनस कर दो, ज्यादा सिंपल हो जाएगा, कॉलम 1 में से कॉलम 3 माइनस कर लो, तो क्या हो गया 2, कॉलम 1 में से कॉलम 3 माइनस किया तो 0 का 0, यहां आएगा a माइनस c, यहां b में से माइनस होगा तो माइनस c बचेगा, ये तो बाकी वैसा का वैसा ही है, ठीक है, और ये भी वैसा का वैसा ही है। अब हम इसको एक्सपांड कर लेते हैं, क्यों ये दो जीरो आ गए, अब सिंपल है, अगर मैं बी को लेता हूं, अगर मैं इस बी को लेता हूं तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, बचेगा क्या, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टू बी का बी लिख लो, यहां पर यह होगा ए माइनस सी इंटू सी माइनस ये माइनस सी इंटू ए प्लस सी, कर लो मल्टीप्लाई, ये टू बी इसी का अंदर मल्टीप्लाई तो ए सी माइनस सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा ए प्लस सी, ठीक है, एक ब्रैकेट लगा दो, ये टू बी का टू बी, ये ए सी माइनस सी स्क्वेयर प्लस ये ए सी प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है, तो सी स्क्वेयर देखो प्लस माइनस कर गया, ए सी टू ए सी हो गया, तो क्या हो गया ये टू बी का टू बी और ये ए सी टू ए सी, टू टू सा फोर ए बी सी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अरेंजमेंट, थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा सोच, अब आपके मन में ये सवाल होगा सर कौन सी जगह पर क्या लगा है, तो ये आपको तय करना है। हम जैसे थ्योरम में हमारे सामने टारगेट हुआ करता था कि थ्योरम में हमको ये लाना है, तो उस चीज को हम नजर के सामने रख के काम करते थे, यहां पर हमको 4abc लाना था, तो मैंने पहले 2 लाया, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, अगर आप इसको भी सॉल्व करते तो आंसर आ जाता, मैंने यहां एक जीरो लाया, देखो मैंने पहले इसको जीरो लाया, यहां पर एक जीरो आ गया, और अगली कंडीशन में मैंने क्या किया कि बचा हुआ एक और जीरो कर लिया। जब भी आपको ऐसा सिंप्लीफाई करना है ना, तो कोई भी दो एलिमेंट्स को, रो या कॉलम के दो एलिमेंट्स को जीरो लाओ और तीसरा बचता है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, मतलब यहां डायरेक्ट क्या हो गया, एक्सपांशन करते समय बी को आपने यहां लिख लिया और बी अगर लिख लिया तो फिर बचते क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये, बस, और उसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। ओके, चलिए, अगर आप इसे लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3 में सेकंड वाला, और ये भैया लॉग के फॉर्म में दिया है।
अब यहां पर क्या देके रखा हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहां लिखिए टेक एलएचएस, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं और फिर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली हमको यहां क्या करना है। वन लॉग ऑफ वाई टू बेस एक्स लॉग जेड टू द बेस एक्स लॉग एक्स टू द बेस वाई, फिर ये वन, फिर लॉग जेड टू द बेस वाई, ठीक है, और फिर लॉग एक्स टू द बेस जेड लॉग वाई टू द बेस जेड और वन। देखो भाई अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए क्या है कि हम लोगों ने जो लॉग के रूल्स है वो नहीं पढ़े। दूसरी बात, लॉग हमारे सिस्टम से काम हो गया है और द ग्रेट थिंग इज दैट इन लोगों ने बहुत अच्छा किया कि ये ऐसा दे दिया, मतलब ये अच्छा नहीं है, ये बच्चों को परेशान करने वाली बात है। लॉगरिथम आपको एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था और वो सेकंड ही चैप्टर हुआ करता था, उसमें क्या होता था कि आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाते थे। अब लॉग ही नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हर बार मैं आपको नया नियम बताऊंगा, तो मैं पहले कुछ दो तीन नियम आपको बता दूं उसके बाद हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। देखिए लॉग में एक बात ध्यान रखिए कि अगर ऐसा है लॉग ए टू दी बेस बी, ये जो होता है ना इसको बेस होता है और लॉग ए इसको पढ़ते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ऐसा भी होता है कि लॉग ए अपॉन लॉग बी, लेकिन आपको ये जो बेस बी है ना इसको आपको बदलना होता है, तो आप यहां पर एम एन कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक नंबर लेटर यहां पर लगा दो, नहीं लगाया तो भी चलता है। तो अगर ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहली बात। अब एक और बात, अगर वन लिखा है या अगर ऐसा लिखा है लॉग ए टू दी बेस ए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे लॉग ए अपॉन लॉग ए, और मैं यहां पर बेस बदल लेता हूं, सपोज यहां पर मैं एम बेस कर देता हूं, तो दोनों तो एक ही, अगर कैंसिल होगा तो बचेगा क्या वन, मतलब वन को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लॉग ए टू दी बेस ए या लॉग बी टू दी बेस बी या लॉग सी टू दी बेस सी, या यहां पर क्वेश्चन जो चल रहा है हमारा ये एक्स वाई में चल रहा है, तो मैं वन को लिख सकता हूं लॉग x टू दी बेस x या log y टू दी बेस y या फिर log z टू दी बेस z, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर ये दो ही रूल लगने वाले हैं, एक रूल ये है जो बेस चेंज का रूल जिसको बोलते हैं log में, और एक रूल ये है जहां पर कि आप इसको डायरेक्टली वैल्यू वन की जगह पर जब भी कुछ आपको लिखना हो log वाला लिखना हो तो आप हमेशा ऐसा लिखो, यू विल गेट वन, ठीक है। अब ये दो रूल हमको यूज करना है, ये एक और ये एक। अब इसमें से ये एबीसी तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है ना, यहां एक्स वाई। अच्छा अब जरा थोड़ा क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिख रहा है, वन लॉग ऑफ फाइव टू द बेस एक्स लॉग ऑफ जेड टू द बेस एक्स। अगर इस रो की बात करें, इसरो वो इसरो नहीं, स्पेस वाला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये वाला जो रो है यहां पर, यहां बेस देखो एक्स है, दूसरे वाले इसमें बेस देखो वाई है, और तीसरे वाले इसमें बेस देखो जेड है। मतलब क्या, पहले वाले में काम करते हैं हम समझने के लिए, ये दोनों एक्स बेस है तो वन की जगह पर हम लॉग एक्स टू दी बेस एक्स लिख दें, सेकंड वाले में बेस वाई है तो देखो भी बेस यहां भी वाई है यहां भी वाई, तो हम लॉग वाई टू दी बेस वाई लिख दो, और थर्ड वाले में लॉग यहां पर जेड बेस है तो लॉग जेड टू दी बेस जेड लिख दो, मतलब इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके काम करते हैं, इसको लिखते हैं यहां पर, दैट इज लॉग एक्स वन को लिख लेते हैं लॉग x टू दी बेस x, देन log y, ये x, ये log z, ये x, ये log x, ये y, ये log y, ये y, और ये log z, ये y, फिर ये log x, ये z, ये log y, ये बेस z, z, ये बेस z। अब देखो यार, अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर एक्स वाई जेड लॉग एक्स वाई जेड लॉग एक्स वाई जेड लॉग एक्स वाई जेड, बेस एक्स 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 वाई 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 जेड जेड जेड, मैं ये रूल लगा दू, अगर मैं ये वाला रूल लगाता हूं बेस चेंज का तो क्या बनेगा, ठीक है, मैं यहां पर बेस चेंज का रूल लगाता हूं, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, ठीक है, एक काम कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, इतना ही पार्ट इरेज करते हैं, ये वाला, ये वैल्यू तो आपको यहां पर लिखना है, मैंने जानबूझ के इसको इरेज नहीं किया, ये वाला आपको यहां पर लगाना है, ठीक, अब मैं ऊपर वाला भी इरेज कर देता हूं। अब इसको अगर आप लॉग में लिखे तो क्या होगा, देखो मतलब अपॉन वाला फार्मूला लगाए कि लॉग ए टू दी बेस बी हो तो लॉग ए अपॉन लॉग बी होता है और इसका बेस हम बदल देते हैं एम कर देते हैं, तो इसको भी बदल दो, इसको लिख लो दैट इज लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स
log z upon log x, फिर वैसे log x upon log y upon log z upon log y, यहां log x upon log y upon log z और log z upon log z, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, यहां तीनों के अपॉन में log x log x log x है, निकालो कॉमन। यहां तीनों के अपॉन में log y log y log y, निकालो कॉमन। यहां log z log z log z। अब आप बोलेंगे सर यहां पे आपने बेस नहीं लगाया, आपको बेस लगाना है लगा दो, कोई भी एक बेस लगा दो। मैं यहां पर a बेस लगा देता हूं, सब जगह पर सबका बेस a लगा देता हूं, मतलब कॉमन निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब जगह पर बेस क्या कर दो, a लगा दो, ठीक है, हमारी इसके लिए सहूलत के लिए, ठीक। अब जब कॉमन निकलेगा तो क्या निकलेगा, वन अपॉन लॉग एक्स टू दी बेस है, लॉग वाई टू दी बेस है, लॉग जेड टू दी बेस है, और क्या हो गया, फिर क्या बचेगा, यहां बचेगा लॉग एक्स टू दी बेस ए, लॉग वाई टू दी बेस ए, लॉग जेड टू दी बेस ए, सभी जगह पर वही बचेगा जो ऊपर वाले में है, सभी जगह पर वही बचने वाला है log a टू दी बेस x log। अब यार यहां देखो तीनों कॉलम या तीनों रो आइडेंटिकल हो गई, तीनों के तीनों सेम हो गई ना, देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि अगर दो बेस सॉरी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो क्या होता है, द गिवन द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट इज जीरो। तो यहां तो तीनों की तीनों इक्वल हो गई, तो ये किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। यहां लिखना आप, हियर All the three rows are identical, so that the value of this determinant is zero. और फिर आप यहां लिखोगे वन अपॉन दैट इज log x, log y, log z, बेस लगा दो सबका a into zero, तो आंसर आ जाएगा zero. बस ऐसे इसको करना, थोड़ा सा है ना ये रूल्स अगर पता हो तो सिंपल है, तो चिंता मत करो, मैं समय समय पर रूल्स बताते रहूंगा, आप आराम से इसको कर पाओगे। चलिए अगर आप इसे लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं पर रुकता हूं, अगले वाले वीडियो में हम जो बचे हुए तीनों चारों क्वेश्चन हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, थोड़े समझने के हैं, इसके लिए मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में करवा रहा हूँ। अगले पार्ट में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और उसके बाद में आगे का जो है बहुत ही सिंपल है, कोई उसमें प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी, धन्यवाद।